टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड ये कंपनी अपने इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, बहुत ही क्रेडिबल और बहुत ही वेल नोन कंपनी है इंडिया की। तो टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स के अंदर सिविल इंजीनियर के लिए खास कुछ वैकेंसीज हैं। आज मैं उन वैकेंसीज के बारे में आपसे बात करूंगा और इनके कुछ वॉक इन इंटरव्यूज भी हैं 18th of June को, तो उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स आपसे मैं अभी शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए तो बने रहिएगा। देखिए, ये जो फिलहाल आप पेज अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स का अपना ऑफिशियल करियर पेज है और इस ऑफिशियल करियर पेज के ऊपर उनकी कुछ वैकेंसीज निकली है सिविल इंजीनियर्स के लिए। आइए देखते हैं कौन कौन सी ओपनिंग्स यहां पर अवेलेबल है। तो ये आपके सामने दिख रहा है करंट ओपनिंग्स। अब यहां पर सभी आप जो है वैकेंसीज जब देखते हो तो यहाँ पर लोकेशन वाइज भी आप सर्च कर सकते हो या फिर आप अपने डिसिप्लिन या ब्रांच वाइज भी देख सकते हो। यहाँ पर अगर अकाउंट, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल वगैरह सब कुछ है, तो क्योंकि हम सिविल की बात करते हैं तो हम सिविल के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने सिविल पे क्लिक किया तो ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर आ गई। ओके, कितनी वैकेंसीज है? 47 वैकेंसीज है सिविल के अंदर। लेकिन एक बात इसमें है कि देखो, ये कॉलम है पोजीशन नेम का, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कॉलम है और ये एक्सपीरियंस का है, लोकेशन का, और ये क्लोजिंग डेट का है। तो यहां पर एक्सपीरियंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फ्रेशर इसको ढूंढ रहे होंगे और बहुत लोग ऐसे भी है जो एक्सपीरियंस है, कोविड के अंदर उनकी जॉब चली गई थी, उनको 8-8, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी इनके लिए भी अच्छी एक पोजीशन है। ठीक है, चलिए तो ध्यान से इन दो कॉलम पर जरा फोकस कीजिएगा। देखिए, पोजीशन की अगर बात करूं, जो लोग एक्सपीरियंस है या जो लोग एक साल का भी जिनको एक्सपीरियंस है, तो अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर प्लानिंग इंजीनियर है, पीएमसी प्लानिंग इंजीनियर, 1 से 3 साल का, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस इनको चाहिए है। बीई उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिविल के अंदर। अगर मैं डिटेल में देखना चाहूं तो इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, इस पर क्लिक किया मैंने तो देखो यहां पर क्या बता रहा है, पीएमसी प्लानिंग इंजीनियर है जिसके अंदर 1-3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लोकेशन गुजरात में, आपको कहीं भी एलोकेट कर सकते हैं लोग। 25 से 30 साल की आपकी आयु होना चाहिए, मतलब आपकी जो उम्र है वो 25 से 30 साल के अंदर होनी चाहिए। बी आपकी क्वालिफिकेशन है, 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और ये एक्सपीरियंस के बारे में आपको कहा गया है, मतलब जॉब डिटेल या स्किल्स के बारे में कि कौन कौन सी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए, आप इसके काबिल बैठ रहे हो पूरी तरह से, तो फिर आपको अप्लाई फॉर दिस पोजीशन पे क्लिक करना है और आपके सामने इस तरह से एक फॉर्म खुल जाएगा। यहां पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करके इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इस पूरे फॉर्म को फिलअप करके यहां पर पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। और बाकी बहुत सारी यहां पर पोजीशंस है, दोबारा जब मैं बैक आया तो मुझे दोबारा सिविल के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिविल में गया और यहां पर और भी बहुत सारी ऐसी पोजीशंस है, 1 साल अगर आपका मिनिमम एक्सपीरियंस हो तो उसके लिए ये है। अगर आप एक्सपीरियंस वाइज देख रहे हो तो आप इस कॉलम पे देखो कि 6 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का, देखो ये 3 साल है डिजाइन इंजीनियर। डिजाइन इंजीनियर की बात करो तो ये देखो डिजाइन इंजीनियर 3-6 ईयर का एक्सपीरियंस सूरत के अंदर, इसकी लोकेशन है सूरत गुजरात। ठीक है, और 25 से 31 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। बीई इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अगर बीई एमटेक वगैरह हो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस और जॉब का डिस्क्रिप्शन आपके सामने है कि आपको क्या क्या करना है इसके अंदर, ये सारे स्किल सेट वगैरह आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये जॉब का डिस्क्रिप्शन है और आपको लगता है कि आप इसके अंदर वेल स्किल्ड हो और इसमें फिट बैठ रहे हो उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, तो अप्लाई फॉर दिस पोजीशन पे आप क्लिक करके इस पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको अलग अलग जितनी भी पोजीशंस आपके हिसाब से लगती है कि आपको उस पर अप्लाई करना चाहिए या आपके लिए वो पोजीशन सही है या आप उस पोजीशन के लिए ठीक हो, तो आपको उस पर जरूर अप्लाई करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, उनकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, ये भी यहां पर देखिए लास्ट कॉलम में आपको दिख रहा है क्लोजिंग डेट, एप्लीकेशन की लास्ट डेट है ये, इससे पहले पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये इसके बारे में था और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको अगर नेक्स्ट पे करता हूं ले जाकर। देखिए साइट इंजीनियर दिख रहा है आपको, पीएमसी साइट इंजीनियर, 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस सही होगा। देखिए साइट इंजीनियर सर्वे के लिए, ये बहुत सारी अच्छी अच्छी पोजीशंस है। आप जो बहुत लोग जितने भी यहां पर जॉब ढूंढ रहे हैं, खासकर गुजरात सूरत से हैं या पैन इंडिया से जो लोग यहां पर रिलोकेट होना चाहते हैं, हो सकते हैं, वो लोग भी यहां पर जरूर अप्लाई कीजिएगा। ये कंपनी बहुत अच्छी है, आपके बहुत बहुत अच्छा मौका है। और जो लोग वेल एक्सपीरियंस है, जिनके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है प्लानिंग डिजाइनिंग वगैरह का, तो उनके लिए भी अच्छा मौका है, उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी जॉब पोजीशंस यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पर जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगले पेज पे जाते हैं इसके, तो देखिए ये आपको दिख रहा है साइट इंजीनियर 1-3 ईयर सूरत के अंदर ही काफी इनकी पोजीशंस ओपन है अभी। साइट इंजीनियर देखिए, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग इंजीनियर, कास्टिंग यार्ड इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर, तो ये अच्छी अच्छी पोजीशन यहाँ पर अवेलेबल है। आप में से अगर कोई भी है जिसको लगता है कि मुझे इसमें अप्लाई करना चाहिए, तो जरूर बिना सोचे समझे अप्लाई कर दीजिए, कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। अगर मौका मिलता है तो आपको मजा आएगा काम करने का और बहुत कुछ आपको जानने को और सीखने को मिलेगा और अच्छी खासी आपकी अर्निंग भी यहां से हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कंपनी अच्छी है। तो ये तो था कंपनी के जो ओपन पोजीशंस है उनके बारे में। इनका एक वॉक इन इंटरव्यू है, उसके बारे में डिटेल आपसे शेयर करता हूं। चलिए, इनका वॉक इन इंटरव्यू क्या क्या है देखिए, इन्होंने अभी अभी अपने लिंक्डइन पेज के ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट शेयर की है, पब्लिश की है कि टाटा कंसल्टिंग सर्विस जो इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है वो हायर कर रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं इंजीनियर को, इस क्वालिफिकेशन वाले इंजीनियर को।
ध्यान रखिएगा, इन ये जो क्वालिफिकेशन है सभी इंजीनियर्स को, और 3 साल से 20 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, ठीक है। अगर 3 साल के 20 साल के बीच में आपको कोई भी एक्सपीरियंस है तो डू अप्लाई फॉर दिस जॉब। और ये वॉक इन इंटरव्यू है, ध्यान रखिएगा ये वॉक इन इंटरव्यू है, आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वॉक इन इंटरव्यू है सैटरडे 18th of June, सैटरडे 18th of June सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये इंटरव्यू चलेगी, ठीक है। और इनका अपना वेन्यू का जो एड्रेस है वो भी इन्होंने दे दिया है, टाटा कंसल्टिंग नवी मुंबई के अंदर, ठीक है। ये पूरा उनका डिटेल एड्रेस है, देख लीजिएगा। और कौन सी पोजिशन यहाँ पर है, तो हमारे लिए ये जो पहला ब्रैकेट है ये इंपॉर्टेंट है, लीड सीनियर डिजाइन इंजीनियर विद एक्सपीरियंस इन प्रोसेस इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, पाइपिंग, स्ट्रेस एनालिसिस, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर, हमारे लिए ये डोमेन इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपके पास बीटेक, बी एम ई या डिप्लोमा, जो भी आपके पास डिग्री है आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। और 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास है तो अप्लाई कीजिए और वॉक इन इंटरव्यू जाइए, वहां पर देखिए क्या एक्सपीरियंस रहता है आपका। अगर आपका वहां पर चांस मिल गया आपको अच्छा, तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये था टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में कुछ जॉब पोजीशंस, जो वैकेंसीज अवेलेबल है उनके बारे में। उम्मीद है आपको जान के अच्छा लगा होगा, और जो लोग इसके काबिल है जरूर अप्लाई करेंगे। इसी तरह से और भी अपडेट आपको चाहिए अगर, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।